हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में गंधी बग या जिसको हम बोलते हैं राइस बग, इनका आज हम लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम गंधी बग का सिस्टमेटिक पोजीशन, इनका हैबिटेट, इनकी मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं गंधी बग, जिसको हम राइस बग भी बोलते हैं, इनका लाइफ साइकिल पढ़ना। गंधी बग को हम गंधी बग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है अगर इसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये बैड स्मेल रिलीज करता है, इसलिए इसको हम गंधी बग कहते हैं। इसको राइस बग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है राइस की क्रॉप को, मीन्स पैडी की क्रॉप को हार्मफुल पहुंचाता है, इसलिए इसको हम राइस बग कहते हैं। इसका जियोलॉजिकल नेम है लेप्टोकोरिशिया वेरिकॉर्निस। लाइफ साइकिल ऑफ गंधी बग। द लाइफ साइकिल ऑफ गंधी बग इज इनकम्प्लीट और मेटाबोलस टाइप। इनकम्प्लीट या फिर मेटाबोलस टाइप, ऐसा इंसेक्ट का लाइफ साइकिल होता है जिसमें जो है एक के फॉर्मेशन के बाद, जब एक हैच हो, एक से जो है लार्वा ना प्रोड्यूस होकर निम्फ का फॉर्मेशन हो, निम्फ मीन्स इमैच्योर एडल्ट का फॉर्मेशन हो, उसको हम बोलते हैं हेमी मेटाबोलस टाइप एंड करेक्टराइज्ड एज फॉलोज। ये फीमेल गंधी बग का लाइफ साइकिल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जब मेल और फीमेल इंसेक्ट कॉपुलेट करते हैं तो जब एक का फॉर्मेशन करते हैं तो उस एग को जो है वो पैडी लीव्स, मीन्स जो है राइस की लीव पर जो है अरेंज करते हैं, और जो अरेंज करते हैं उसको जो है एक रो में जो है अरेंज करते हैं, जिसमें जो है 20 to 30 एग जो है अरेंज होते हैं एक लाइन में। और जिनका एग होता है गंधी बग का, वो ब्लैक कलर का होता है, ओवल मीन्स अंडाकार शेप में होता है, और फ्लैट एंड मीन्स चपटी हुए रहते हैं, और वो लीव पर जो है एक गमी सब्सटेंस, मतलब एक चिपचिपी पदार्थ से जो है अटैच हुए रहते हैं। और एक फीमेल जो होती हैं जो है वो एक बार में 20 to 30 एग्स को रिलीज करते हैं, और जो है इनकी जो, मतलब जो इनकी पूरी लाइफ टाइम होता है उसमें जो है वो 300 एग्स जो है एक फीमेल इंसेक्ट रिलीज करती है। और जब एक हैच होता है, एक जो है 6 to 7 डेज में हैच होकर, उससे जो है लार्वा का फॉर्मेशन न करके एक इमैच्योर एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स अविकसित इंसेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं निम्फ। जिसमें, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो है एक हैच होकर लार्वा का फॉर्मेशन ना करके सीधे जो है निम्फ का फॉर्मेशन, मीन्स इमैच्योर एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इनकी लाइफ साइकिल को इनकम्प्लीट या फिर हेमी मेटाबोलस टाइप लाइफ साइकिल बोलते हैं। और जो निम्फ है इसमें जो है मॉल्टिंग होती है, 6 times इसमें मॉल्टिंग होती है। मॉल्टिंग मीन्स इससे जो है इसकी बॉडी से, निम्फ की बॉडी से 6 क्यूटिकल रिमूव होते हैं और डेवलप होती है, मतलब 6 क्यूटिकल रिमूव हो रहे हैं और इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है निम्फ में, और ये जो है फिर निम्फ जो है डेवलप होकर एडल्ट इंसेक्ट में जो है डेवलप होते हैं 6 मॉल्टिंग करने के बाद। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कम्प्लीट होती है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें इसको किस तरीके से लिखना है। तो इसमें हमारा सबसे पहले पॉइंट है एक्स। द एग्स ऑफ गंधी बग आर ब्लैक, ओवल, फ्लैटेंड एंड अटैच टू द लीव। जो एग होता है गंधी बग का वो ब्लैक कलर का होता है, ओवल मीन्स अंडाकार शेप में होता है, फ्लैटेंड मीन्स चपटे हुए होते हैं, और जो है लीव की सरफेस पर एक गमी सब्सटेंस जो है अटैच होते हैं। द एडल्ट फीमेल लेस 20 to 30 एग्स इन रोस एट अ टाइम। जो एडल्ट फीमेल होते हैं वो एक बार में जो है 20 to 30 एग्स को रिलीज करती हैं, और वो जो है एक लाइन में अटैच हुए रहते हैं। एंड अबाउट 300 एग्स इन हर लाइफ टाइम। और जो है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में 300 एग्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमैच्योर फॉर्म ऑफ इंसेक्ट। मतलब जब एक जो है हैच होकर निम्फ का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इमैच्योर फॉर्म ऑफ इंसेक्ट, इसमें हमें क्या लिखना है। द एग्स हैच आउट इंटू निम्फ। एग्स हैच होकर जो है निम्फ का फॉर्मेशन करती हैं 6 to 7 दिनों में। मॉल्ट 6 times, और जो इसने मॉल्टिंग में 6 क्यूटिकल रिमूव हो रहे हैं एक, मतलब निम्फ से, और उससे जो है निम्फ जब 6 क्यूटिकल रिमूव हो रहे हैं और उसमें डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट करके वो जो है एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं इन अ डिफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय तक। द निम्फ्स आर पेल ग्रीन इन ब्लू कलर। जो निम्फ होते हैं वो जो है हल्के ग्रीन कलर में पाए जाते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट। द एडल्ट आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब एडल्ट जो है सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं तब वो कॉपुलेट करते हैं, उसके बाद जो है एंड फीमेल स्टार्ट एक लेइंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद जो है फीमेल जो है अपने अगले जनरेशन के लिए एक का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। बोथ निम्फ्स एंड एडल्ट्स फाउंड क्लस्टर ऑन पेडी क्रॉप्स। दोनों ही निम्फ और एडल्ट जो है
निम्फ मीन्स इमेच्योर इंसेक्ट और एडल्ट मीन्स मैच्योर इंसेक्ट क्लस्टर मीन्स ग्रुप में जो है पैड की क्रॉप्स पर पाए जाते हैं। द पेस्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, जो पेस्ट होते हैं मीन्स जो गंदी बग हैं ये जो है जब जो है फील्ड में राइस की क्रॉप मीन्स पैड की क्रॉप लगी हुई रहती है तब वो जो है अपने आप को मल्टीप्लाई मीन्स अपना जो है नंबर अपना जो है नंबर इंक्रीज करते हैं मीन्स तब वो रिप्रोडक्शन करते हैं जुलाई टू नवंबर तक ऑन पैडी क्रॉप। बट हाइबरनेट विंटर स्लीप फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी, लेकिन जब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है मतलब जब जो है दिसंबर और फेब्रवरी मीन्स इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है तब अपने आप को जो है कि सेव करने के लिए तो जो है वो क्या करते हैं हाइबरनेट। हाइबरनेट मीन्स ये जो है विंटर स्लीप मतलब जो है ये मतलब ठंडी के समय मतलब विंटर में जो है ये जो है सोने लगते हैं ये मतलब अपने आप को सेव करने के लिए विंटर स्लीप करते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हाइबरनेट फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी एंड फीड्स ऑन ग्रासेस फ्रॉम मार्च टू जून। दिसंबर टू फेब्रवरी तक ये जो है हाइबरनेट करते हैं बट जो है जब जो है अभी फील्ड में जो है मार्च टू जून में फील्ड में अभी कोई जो है पैडी की क्रॉप मीन्स अभी राइस की क्रॉप तो है नहीं तो ये अपने आप को मतलब ये खाने के लिए फूड के लिए जो है फीड ऑन ग्रासेस ये जो है घासों पर जो है रहना शुरू कर देते हैं वहाँ पर जो है ये अपना फूड का जो है मतलब वहाँ से ही अपने आप को जो है फूड लेते हैं। लाइफ साइकिल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज्ड कास्ट, ये लोग क्या किस तरीके से डैमेज क्या कॉज करते हैं। बोथ निम्फ एंड एडल्ट कास्ट डैमेज टू द पैडी क्रॉप एज फॉलोस, दोनों ही निम्फ और एडल्ट दोनों ही जो है पैडी की क्रॉप को बहुत नुकसान करते हैं। निम्फ ऑन हैचिंग आउट ऑफ एग सक सैप ऑफ टेंडर शूट एंड लीव्स, जब जो है निम्फ का फॉर्मेशन मीन्स जब एग से जो हैच होकर निम्फ का फॉर्मेशन होता है तब जो है निम्फ टेंडर शूट एंड लीव मतलब स्टेम जो और लीव का जो इतना भी पोर्शन है उनसे जो है सैप मीन्स जूस को जो है सक करना शुरू कर देते हैं पैडी की क्रॉप से। बोट एडल्ट एंड निम्स अटैच्ड ओवर पैडी ग्रेन्स विथ इन ईयर एड्स एंड सक मिल्की सैप देयर फोर अटैच्ड ईयर एड्स अपीयर नॉर्मल बट विदाउट एनी ग्रेन, जब जो है धान की फसल में उसकी बाली में मिल्की सैप मीन्स जो चावल का जो मिल्की सैप होता है जब उसमें मतलब ग्रोन मतलब जब उसमें उसका आना शुरू हो जाता है मिल्की सैप तब जो है एडल्ट और निम्फ इंसेक्ट क्या करते हैं उस मिल्की सैप को भी सक करना शुरू कर देते हैं जिससे क्या होता है कि बाहर समय जो ग्रेन है जो उसकी बाली है ईयर एड्स ये हमको उसको नॉर्मल देखेंगे लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी जो है ग्रेन नहीं पाया जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द अटैक्ड सीड्स आर मार्क्ड बाई ब्लैक स्पॉट्स ऑफ फंगस विच अपीयर अराउंड पंचर पॉइंट्स, क्या होता है जब जो है वो निम्फ और जो है एडल्ट इंसेक्ट जब जो है सीड मतलब सीड पर भी अटैक कर देते हैं तब जो है वहाँ पर जो है स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट मीन्स काला स्पॉट जो है फंगस का वहाँ पर जो है दिखता है जहाँ से जो है निम्फ और एडल्ट जो है पंचर मतलब उसकी जो सीड को मतलब उसकी जो बाली को जो है वहाँ जहाँ से वो पंचर करके वहाँ का जूस वहाँ के सीड इन सब पर अटैच करते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और इनको हम किस तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। अडॉप्ट क्लीन कल्टीवेशन पॉलिसी, इसमें क्या है कि रिमूव्ड वाइल्ड ग्रासेस एंड वीड्स फ्रॉम पैडी ग्रोइंग एरियाज बिफोर प्लांटेशन एंड ट्रांसप्लांट सीडलिंग इन टाइम, मतलब इसमें यह है कि जो है जब हम पैडी की क्रॉप को ग्रोन मतलब जब उनको हम जो है प्लांट करना शुरू करें मतलब उनको जब हम प्लांटेशन करना शुरू कर रहे हैं उसके पहले जो उसमें जो भी जंगली घास जंगली जो भी मतलब उसमें झाड़ियाँ हैं इन सबको सबसे पहले हमें रिमूव करने की ज़रूरत है। इसमें क्या हो सकता है कि जो है जब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है गंदी बग का तो जो है ग्रासेस पर भी फीड करना शुरू कर देते हैं गंदी बग मतलब तब हमको जो है इनसे मतलब क्या हो सकता है कि इसका जो है एग है वो ग्रासेस पर भी रह सकते हैं इनका जो निम्फ और जो एडल्ट फॉर्म है वो ग्रासेस पर भी फीड कर सकते हैं इसलिए हमको जो है पहली बार तो रिमूव्ड वाइल्ड ग्रासेस एंड वीड्स इनको जो हमें जो है रिमूव करने की ज़रूरत है प्लांटेशन के पहले और ट्रांसप्लांट सीडलिंग सीडलिंग मीन्स जो बेरन होता है उनको जो है हमें जो है समय पर ही जो है ट्रांसप्लांट मतलब उनको समय पर ही जो है हमें जो है फील्ड में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दोज वैरायटी ऑफ पैडी राइस सेल बी सोन इन विच ग्रेन्स कम आउट एट लेट स्टेज फ्रॉम सीड, हमें ऐसी जो है पैडी मीन्स ऐसी राइस का क्रॉप लगाना चाहिए जिसमें जो है अनाज जो है लेट से आए उसकी बालियों में। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेस्ट में बी अट्रैक्टेड बाई लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉयड, जो इंसेक्ट होते हैं ये जो है लाइट को अट्रैक्ट करते हैं तो हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे रात का समय तो वहाँ पर जो जो येलो लाइट होता है उसको लगा देना चाहिए और वहाँ पर जो है वो पेस्ट जाएंगे अट्रैक्ट होकर उसके चारों तरफ जो है राउंड मारेंगे और राउंड मारते मारते जो है
खुद ही अपने आप को जो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, स्प्रे क्रूड ऑयल इमल्सन इन इरीगेटेड फील्ड। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, मतलब इमल्सन, जब हम पानी को जो है तेल में मिक्स करते हैं तो कभी मिक्स नहीं होता, जब पानी को तेल में डालते हैं तो मिक्स नहीं होता। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें उसी क्रूड ऑयल को, उसी कच्चे तेल को जो है इरीगेटेड मीन्स जब वो सिंचाई हो रहा है पैडी की क्रॉप, तो हमें जो उसकी फील्ड में उसका जो है स्प्रे करना चाहिए। उस पर स्प्रे करने से क्या होगा कि जो पतली सी फिल्म, मतलब पतली सी एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो मतलब जो उसमें लिम्फ और एडर्स वो मतलब सैप को जो है सक नहीं कर पाएंगे। स्प्रे क्रूड ऑयल इमल्सन इन इरीगेटेड फील्ड। क्रूड ऑयल फॉर्म्स अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन द वीड्स एंड मड्स, दस किलिंग द बग्स एंड निम्स। इससे क्या होगा, जब वो सक नहीं कर पाएंगे, अपना फूड नहीं ले पाएंगे, अपने आप खुद ही मर जाएंगे। इन सब मेथड के बाद भी अगर जो है जो पैड की क्रॉप है वो सेफ नहीं हो पा रही है, तो हमें जो है इन सब केमिकल का यूज करना चाहिए। डस्ट पैडी फील्ड्स बाय 2.5% एल्ड्रीन, 5% क्लोरोडेन एंड 5 to 10% BSC मीन्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड डस्ट। इन सभी केमिकल को जो है हमको जो है डस्ट मीन्स छिड़काव कर जो है अपने क्रॉप को सेव करना चाहिए। आज हमने इस वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, जिसमें कि जिस चैप्टर का नेम है गंधी बग, जिसका जो है सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, उनकी मार्कोलॉजी, ये जो है फर्स्ट पार्ट का सेक्शन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है आज इस वीडियो में हमने जो है इनका लाइफ साइकिल, डैमेज कॉस्ट और क्या क्या इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।